उसमें पाकिस्तान एक रन से हार गया, लास्ट बॉल पे हार गया। आखिर सेकंड लास्ट बॉल पे जो चौका लग गया उसकी वजह से सारा मैच खराब हो गया। बस यही बात है। खैर वीडियो आने वाली है, एक्सपेरिमेंट वीडियो जो मैंने अभी बनाई नहीं है, इसके लिए कार्टन लेकर आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम सब मेरे भाइयों को, वेलकम हो गया सबका हमारे न्यू ब्लॉग के अंदर। सुबह हो गई, नाश्ता वगैरह कर लिए, नहा धो के रेडी हो गए स्कूल जाने के लिए। कल पाकिस्तान और श्रीलंका का जो मैच था उसमें पाकिस्तान एक रन से हार गया, लास्ट बॉल पे हार गया। बड़ा अफसोस हो जाएगा। कल मैं मोबाइल पे मैच लगा दिया तो मैंने देख लिया, तो एक रन से पाकिस्तान हार गया। ये तो नहीं होता यार, सारा फाइनल से बाहर निकल गया पाकिस्तान भी। अब पता नहीं क्या करे यार, फाइनल में आ तो नहीं सकता। खैर अभी स्कूल के लिए निकलता, वापस आके आप लोगों से मिलते हैं, फिर देखते हैं क्या करें। स्कूल से वापस आ गया हूँ और बड़ा ही गुस्सा आया, बड़ा ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि पाकिस्तान एक रन से आ गया। एक तो साला ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे। एक रन से पाकिस्तान आ गया, फाइनल से बाहर हो गया यार। कितना मज़ा आता है इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखते। खैर आज जुम्मे का दिन है तो कपड़े वगैरह चेंज करता हूँ, नहा धो के रेडी होते हो जुम्मे की तैयारी करता हूँ, फिर आप लोगों से मिलते हैं। कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, अभी नहा धो के रेडी हो गए तो अभी निकलते हैं जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए। वापस आपके आप लोगों से मिलते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। जबकि जल्दी नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, नमाज खड़े होने वाली। जुम्मे की नमाज पढ़ के वापस आ के अभी वीडियो एडिट वगैरह करके अपलोड करता हूँ, 4 बजे तक अपलोड हो जाएगी। उसके बाद कुछ सोचते हैं क्या करें। अभी मैं हूँ छत पे और अभी मैं आपको एक बॉक्स के बारे में बता देता हूँ। एक कार्टन है जो मैं लेकर आया हूँ। एक वीडियो आने वाली है, एक्सपेरिमेंट वीडियो जो मैंने अभी बनाई नहीं है, इसके लिए कार्टन लेकर आया हूँ। तो क्या नाचोगे? अभी चीज़ें लेकर आनी है तो कल या परसों वीडियो बनाऊँगा और फिर उसके बाद चढ़ाऊँगा उससे अगले दिन। तो देखना नहीं भूलना, बड़ी अच्छी वीडियो आने वाली है। अभी बात करते हैं कि पाकिस्तान मैच क्यों हारा। हमको सिखा रहा है पाकिस्तान मैच इसलिए हारा ना कि पाकिस्तान की जो फील्डिंग थी वो बहुत कमजोर है। साथ में नसीम शाह भी इंजर हो गए थे और साथ में वो हारिस रो वगैरह भी, तो हारिस रो भी इंजर हो गए थे, मतलब उनको भी चोट लग गई थी, तो वो टीम से बाहर हो गए। बट से जमान वो अच्छा खेलते थे, काफ़ी अच्छा उन्होंने मेहनत की है, बहुत अच्छा प्लेयर है वो। बस आखिरी बॉल पे आखिर सेकंड लास्ट बॉल पे जो चौका लग गया उसकी वजह से सारा मैच खराब हो गया। बस यही बात है। खैर और अभी हवा तेज चल रही, शायद तूफान आने वाला, देखते आते हैं। अभी 8 बजे और अभी मैं छत के ऊपर खड़ा हुआ हूँ, बारिश बहुत तेज़ बारिश हो रही है। देख देखते नज़र आ रही हो तो आपको, शायद नीचे भी देख सकते बारिश। बड़ा अच्छा मौसम होने वाला है आज, बारिश तेज़ हो गई। मैं मैं भूल गया था वीडियो एंड करना क्योंकि अभी घर में बहुत गंदी वाली लड़ाई हो गई सब बड़ों के बीच में। हम बेचारे हंस जाते हैं बीच में, भूल गया था। खैर अभी मैं करता हूँ यहाँ से व्लॉग को एंड। अगर अभी तक आप ये व्लॉग देख रहे हैं तो इस व्लॉग को कर दो लाइक। मिलता हूँ कल, ओके। Bye.